लडुआ के कारण फंसे हैं तो वह सोचता कि लडुआ जाए भाड़ में, हम भाग तो जाएंगे। तो यह वह जानता ही नहीं था, यह जानना ही तो ज्ञान है। बस इतने में मामला अटका है कुछ भी नहीं, हम शिष्य हैं और गुरु वशिष्ठ है, वक्ता है। ज्ञान है और यह आदान प्रदान योग वशिष्ठ है। योग की पुस्तकें सबसे श्रेष्ठ मानी जाती हैं, वशिष्ठ माने श्रेष्ठ। तो इसमें राम को साधक माना गया है और ज्ञान को गुरु। जो आत्मा में रुचि है परमात्मा को प्राप्त करने की, वह राम है। और ज्ञान जो प्राप्त हो रहा है उसे ईश्वर की तरफ से, गुरु की तरफ से, वह ज्ञान वशिष्ठ है। दोनों के बीच में डिस्कशन, विचार विमर्श है। इस प्रकार हर साधक को अपने अंतःकरण में एडजस्टिंग करता है तो वह चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और अगर भगवान का भजन करना चाहते हो, भगवान की नीति पर चलना चाहते हो, भगवान के ज्ञान को लेना चाहते हो, तो फिर बिना किए नहीं आएगा। इस माया को कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए लोगों ने इसे दो भागों में बांट दिया, विद्या और अविद्या। फिर कहा नहीं, दो भागों में अभी कंट्रोल में दिक्कत आएगी, तो फिर तीन भाग कर दिए, सत, रज और तम। तीन भागों के बजाय पांच भागों में बांट दिया जाए तो छित जल पावक गगन समीरा, पांच भाग कर दिए। फिर सोचे दस भाग किए जाएं तो दस इंद्रियों में बांट दिए। तो ऐसी एक ही चीज़ को हजारों भागों में बांट दिया जाए, इससे धीरे धीरे करके कंट्रोल कर लिया जाएगा। चित्त को हम चिंतवन से तभी अलग कर सकते हैं जब हम मूल प्रकृति को अच्छी तरह से समझ जाएं कि यह कहाँ से संचालित होती है, इसके पाए कितने हैं, इसके एजेंट कौन कौन हैं, इसका प्रचार प्रसार कहाँ कहाँ से होता है, यह आनंदित क्यों होने लगती है, यह अट्रैक्ट आकर्षित क्यों करती है आदमी को, इसके अट्रैक्शन का कारण क्या है, इसके गुण क्या हैं, अवगुण क्या हैं, इसको बाई नंबर क्रमवार समझना पड़ेगा। इसे जब विधिपूर्वक समझ लेंगे तब फिर से इससे बचने का उपाय होगा। इसलिए ऋषियों ने, महापुरुषों ने मायावाद में, दर्शन में इसे विभिन्न रूपों में खंडित किया और एक एक चीज़ के दो दो, चार चार, दस दस टुकड़े बनाए हैं। इसलिए बनाए कि जितने छोटे टुकड़े हो जाएंगे उतनी ही सरलता से बिना मेहनत के हम इन पर हावी होते चले जाएंगे। और अगर संघ बना रहा तो संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग माने माया का क्षेत्र। अगर प्रकृति एक ही रही तो उसमें इतनी क्षमता आ जाएगी, इतनी ग्रेविटी आ जाएगी, इतना गुरुत्वाकर्षण आ जाएगा कि उस पर कंट्रोल नहीं हो सकता। इसलिए यह एक तरीका है, यह तरीका साधकों को लाभान्वित करता है। सबसे सरल तरीका है कि हमारे महापुरुषों ने, हमारे पूर्वजों ने, जो हमसे पहले आए हैं और जिन्होंने इस रास्ते से निकलना शुरू किया है, इस अनुसंधान को पूरा किया है और ईश्वर के रास्ते में सफलता पाई है, उनके बताए हुए रास्ते में चलने में बड़ी भारी सुविधा होगी, आराम मिलेगा और नाना प्रकार की ऐसी गोप युक्तियाँ मिलेंगी जिनके द्वारा हम बड़ी से बड़ी कठिन घाटियों को चढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चित्त भी अंतःकरण का एक शक्तिशाली विभाग है और महात्माओं ने इस पर कंट्रोल करने का उपाय योग का अनुसरण किया, अथ योगानुशासनम। योग पर अनुशासन करने की जो विधि है उसमें सबसे बड़ा महत्व चित्त को दिया गया है। योगश्चित्तवृत्ति निरोध है, योगश्चित्त की वृत्तियों को सर्वथा रोकना, निरोध करना, यही योग की पराकाष्ठ है। योग का यह ध्येय है, हम कहेंगे कि चित्त की वृत्तियों का जब निरोध हो जाएगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। चित्त अगर चिंतवन नहीं करेगा, मन संकल्प नहीं करेगा तो मेमोरी स्मृति खत्म हो जाएगी। मेमोरी खत्म हो जाएगी तो आदमी क्या क्या करेगा, कैसा करेगा, रहेगा, तो ऐसा नहीं है। चित्तवृत्ति के निरोध का मतलब चिंतवन समाप्त कर देना नहीं है। इसका मतलब यह है कि चित्त चिंतवन करे लेकिन हम जो कहें वह चिंतवन करे। निरोध का मतलब हमारे अधीन रहकर काम करे। मन जिसे स्वीकार करे वह न चिंतवन करे, चित्त जिसे स्वीकार करे वह चिंतवन न करे, गाइड जो कहे, इष्टदेव जो कहे वह चिंतवन करे, वह मन संकल्प करे, वह बुद्धि निश्चय करे, वह अहंकार करे, तब ठीक है। तब फिर इसका ट्रांसफॉर्म हो सकता है, मन गरुण बन सकता है, बुद्धि में ब्रह्मा चेतन का प्रतिबिंब है, अहंग में रुद्र चेतन का प्रतिबिंब है, मन में चंद्रमा चेतन का प्रतिबिंब और चित्त में वासुदेव चेतन का प्रतिबिंब और इंद्रियों के 10 देवता, ये सब अध्यय हैं। 4 अंतःकरण, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, ये 14 अध्यात्म और इनके 14 देवता अध्यय और इनके 14 विषय अद्भुत, ये 42 तत्व जागृत अवस्था में रहते हैं। इनसे हम सभी क्रियाएँ करते हैं,
खाते पीते, भजन करते, भलाई करते, बुराई करते, बेईमानी करते और लड़ाई झगड़ा करते, लड़ते झगड़ते जो भी करते सब जागृत अवस्था में करते हैं। 42 तत्व की जागृत अवस्था है और जब हम सोते हैं और स्वप्न देखते हैं वह स्वप्न अवस्था है। यह स्वप्न अवस्था क्या है? जागृत अवस्था का रिएक्शन प्रतिक्रिया है। जो स्वप्न में हम चित्र देखते हैं कभी सही आते हैं कभी गलत आते हैं, और गाढ़ी नींद में जो सो जाते हैं स्वप्न भी नहीं आते, अथवा जब ध्यान में हम शून्य हो जाते हैं वह सुषुप्त अवस्था है, और जब हम आकाशवत हो गए वैचारिक ढंग से चलते चलो चलो हमारे साथ हम जाग रहे हैं यह जागृत, और सो गए स्वप्न देख रहे हैं यह स्वप्न अवस्था, फिर गहरी नींद में चले गए आकाशवत हो गए वह सुषुप्त, जब अब जाग गए जागृत हो गई इस जगत में भी उस सुषुप्त का ही आभास बना रहे। हम आकाशवत हैं, न चलते हैं न फिरते हैं न खाते हैं न पीते हैं, हम सुषुप्त में हैं। ध्यान का यही सही रूप है। ध्यान में नींद सी आ जाए, ध्यान लगते लगते नींद का रूप बन जाए, यह ध्यान ही है। ध्यान में ध्याता ध्यान और ध्येय तीनों एक हो जाएं, शून्य हो जाएं, ऐसी कंडीशन स्थिति आ जाए और उसमें हमें कुछ पता नहीं रह जाए, जैसे गहरी नींद में सो जाते हैं, इसको सुषुप्त कहते हैं, और जिसमें चित्र आते हैं रील बनती रहती है वह स्वप्नावस्था है। जागृत अवस्था का कुछ अंश रहता है। जागृत की सहायक स्वप्नावस्था जागृत और स्वप्न, इन दोनों से परे सुषुप्ति है। गहरी नींद न चित्र दिखाई पड़े न स्वप्न दिखाई पड़े न कोई मतलब, जैसे गर्मी के मौसम में कोई ठंडी जगह मिल जाए, कुछ खाने को मिल जाए, ठंडा पानी पीने को मिल जाए और सो जाए, फिर उससे कोई जगाए तो कैसा लगता है? बुरा लगता है। कहेगा बड़ा आनंद मिल रहा था, सो रहा था इसने मुझे जगा दिया, फिर वह सोना पसंद करेगा। ऐसी गहरी नींद जिसमें कोई चित्रण नहीं होता, जिसमें कोई चिंतवन नहीं होता, ऐसी गहरी नींद उसे सुषुप्त कहते हैं, जिसमें शून्य स्तंभ आकाशवत रह जाता है, शरीर का भान नहीं रहता। अगर ऐसा शून्यवत ध्यान आता है तो वह ध्यान ठीक है। अगर उसमें कोई चित्र बनेगा तो उसका कोई कारण होगा। समाज के विषय में कोई चित्र आ सकता है, साधन के विषय में कोई चित्रण हो सकता है, कोई फ्यूचर भविष्य की बात आ सकती है, आगे वह घट जाएगी, अक्सर ऐसा होता है। ध्येय धाता और ध्यान, इन तीनों में एकतानता आ जाए, तत्प्रत्यय एकतानता ध्यानम, जैसे तेल धारा हो, तेल को गिराओ तो एक लाइन बन जाती है, पानी ऐसे ऐसे थोड़ा हिला हिलते डुलते गिरता है, लेकिन तेल धारा की उपमा दी गई, तो ऐसा ध्यान अगर लग जाए और फिर उसमें अगर सुसुप्त की अवस्था में हम प्रवेश कर जाएं तो वह ध्यान ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं। सुसुप्त भी तो ध्यान ही है, यह संसार ही तो जागृत अवस्था है, यह रात ही स्वप्न अवस्था है, यह ध्यान ही तो सुसुप्ति है। तो सुसुप्त कैसे आए हमारे पास? सुसुप्त में कुछ भी भान नहीं होता है, यह अवस्था जागते में भी रहे। मन तो ध्यान कर रहे हैं, सुषुप्ति में है और जाग गए, ध्यान टूट गया, सुषुप्ति हट गई, जो यह जागृत आ गई, अब इसके संस्कार हमें न पड़ने पड़े, और जो सुषुप्त का आनंद हमें मिला है वही नशा हमें चढ़ा रहे। जागने पर भी ध्यान की अच्छी दशा यह कही जाएगी। ध्यान की शून्य अवस्था हर समय बनी रहे, जब हम जागृत में सुषुप्त की अनुभूति पाए रहें, जागृत में जागृत न रहें तो सही ध्यान माना जाएगा। हम प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, और जब जागृत में जागृत अवस्था नहीं रहेगी, सुषुप्ति ही रहेगी, तो फिर जब हम स्वप्न की अवस्था में जाएंगे तो वहाँ भी सुषुप्ति ही रहेगी, स्वप्न नहीं रहेगा, सुषुप्ति उसमें भी चली जाएगी, क्योंकि जागृत को हमने ज्ञान की गर्मी से गलाकर सुषुप्ति रूपी पानी में बदल दिया है, तो अब स्वप्न में भी रहेगी। इस तरह से जब इन तीनों अवस्थाओं में एक रस सुषुप्त की स्थिति आ जाए तो साधक के चित्त में अन्वय व्यतिरय की युक्ति से चेतन का प्रतिबिंब पड़ जाता है और चित्त पकड़ में आ जाएगा, फिर जो उसे कहा जाएगा वही करेगा। इस प्रकार जब तीनों अवस्थाओं में सुषुप्ति आ जाए तो उसमें अनुगत चेतन का प्रतिबिंब तुरिया का है। तुरीय अवस्था में पहुँचने पर संसार छूट जाता है, संसार में रहते हुए संसार का त्याग हो जाता है, शरीर में रहते हुए शरीर से मतलब नहीं रह जाता, और जब उस अवस्था में चेतन का प्रतिबिंब आ गया, अंदर से कम्युनिकेशन हो जाए, तो फिर एक डिग्री और बढ़ जाती है तुरीयातीत, थोड़ा और अंदर घुस जाए तो फिर अतीतातीत, फिर ऐसे महात्मा किसी की पकड़ में नहीं आते, फिर वेटो विशेषाधिकार आ जाता है, उसको ताकत मिल जाती है, और जब तक यह स्थिति नहीं आती तब तक रोना चिल्लाना, चिल्लाहट, भगवान से प्रार्थना, भय रहेगा,
डर लगेगा, गिड़गिड़ाता रहेगा, पतित के लक्षण रहेंगे, परवशता रहेगी, मन कंट्रोल में नहीं रहेगा, ऐसी गड़बड़ियाँ रहेंगी। और जब अंतःकरण पर कंट्रोल हो जाता है तो फिर वह गंभीर हो जाता है, ताकत आ जाती है, उसे डर नहीं रहता। मुक्त से किम लक्षणम निर्भयम। तो इस तरीके से जब ऐसी ताकत आ जाती है तो वह राइज हो जाता है। इसलिए योग चित्तवृत्ति निरोध है। योग चित्त की वृत्तियों के निरोध को कहते हैं। और चित्त के निरोध का मतलब ऐसा नहीं है कि चित्त खत्म हो जाता है, यह अंतःकरण खत्म हो जाता है, तब तो सब काम ही रुक जाएगा, डेड मृत हो जाएगा। समाध का मतलब ऐसा नहीं कि सांस रुक जाती है। समाध का मतलब है सम के आदि समत्व की स्थिति। एक ऐसी अवस्था है अंतःकरण की जब सुसुप्त के बाद तुरिया आती है तो समत्व में व्यापक रूप ले लेती है। बार बार इस अवस्था को लाने का प्रयत्न करना चाहिए। यह हर समय बनी रहे, नशा हो जाए, उसे पाए बिना रहा न जाए, चित्त में आ जाए, अंतःकरण में आ जाए, छूटने न पाए, मन में बना रहे और यह नशा उतरने न पाए, उसी चित्तचोर में चित्त खो जाए। मरे हजारों लोग चाह चित चोर तेरी करते करते, पर न मिला दीदार कुछ कर गए ध्यान करते करते। पंडित को विद कब कहे, अज्ञान शास्त्र पढ़ते पढ़ते, वेद पुराण कुरान हुए हैरान बयान करते करते। कोई कहे हम पक्के हिंदू सिखा सूत्र धारण करते, कोई कहे हम सच्चे मुसलमान दाढ़ी में अकड़े फिरते, आपस में सब लड़कर मर गए राग द्वेष करते करते। तेरे इश्क में हैरान हुए हम कई कदम धरते धरते, सदगुरु की तब कृपा हुई जब बहुत काल साधन करते करते, लखा दिया एक झट में जिसे चार वेद वर्णन करते। यह प्रक्रिया है और यह गैल है। साधक साधना नहीं कर पा सकता, साधक को साधना गुरु कराता है। जैसे कुम्हार हंडी बनाता है तो ऊपर से लकड़ी ठोंकता है और भीतर हाथ लगाए रहता है। अगर हाथ ना लगाए तो क्या हंडी बनेगी? नहीं बनेगी, टूट जाएगी। इसलिए उसमें बहुत चालाकी है। साधना करता है और बताना या पुस्तक में लिखना भिन्न हो जाता है। जो साधन में लग जाए तो दूसरा रूप बन जाए। जब उसी को लिपिबद्ध किया जाता है तो उसका तरीका बदल जाता है। अनुभव काल में इसका रूप बदल जाता है। यह ऐसा है ही नहीं संसार। अनुभव काल में जो संसार दिखाई पड़ता है उसका रूप दूसरा होता है। इसलिए यह सृष्टि है ही नहीं। यह सब आकाशवत है, यह कुछ है ही नहीं जैसा दिखाई पड़ता है। है तो बस एक अमृत तत्व है आत्मा, अनंत आकाशवत, एक रस परिपूर्ण। यह पहुँच है, यह दर्शन है, यह निष्कर्ष है, यह इंड अंत है। यह जब राम रावण का युद्ध समाप्त हुआ तो राम ने इंद्र से कहा कि तुम अमृत बरसा दो, तो अमृत बरसाया, लेकिन जिए भालू कप नहीं रजनीचर। भालू और बंदर तो जिंदा हैं, वह जिंदा हो गए, राक्षस नहीं जिए। अमृत का यही गुण है कि जो जिंदा है वह जिंदा होगा और जो मरा है वह मर जाएगा। जो आत्मा जर अमर है वह रहेगी और संसार जो असत्य है वह मरा है वह मरेगा। असुर जो विजातीय हैं, संसार का भोग करना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, महल चाहते हैं, देवता और महात्मा जो सजाती हैं वे ईश्वर को चाहते हैं, माया को नहीं चाहते। इसलिए जो अजर अमर ईश्वर को चाहते हैं वे जिंदे हुए और जो मृत पदार्थों को चाहते हैं वे मृत रहे, नहीं जिए, राक्षस। अमृत का यही गुण है, वे मर करके माया को प्राप्त हुए और वे बंदर भालू जिन्हें जिंदे होकर परमात्मा को प्राप्त हुए, इसलिए वह अमृत मिले तब ठीक है। यह अमृत चित्त के निरोध से मिलेगा, सद्गुरु की कृपा से मिलेगा। तो अगर बाहर बाहर दौड़ते रहोगे, ऊपर ऊपर तैरते रहोगे, अवगाहन नहीं करोगे, मानस में नहीं उतरोगे, तो कुछ मतलब हल नहीं होगा इसमें। समझने का प्रयास करो। अगर एक छोटा सा पत्थर अंदर ले ले तो आदमी मर जाएगा। एक लड़की और दो लड़के 20-25 साल के घर बनाकर अंदर कैसे रहेंगे? अब देखो, जो भी ऋषि मुनि महात्मा राम सीता और लक्ष्मण को मिले वनवास के दौरान, सब यही बोले कि भगवान लखन जानकी सहित हमारे हृदय में वास करो। तो अकल काम नहीं करती आदमी की कि इस तरह शरीरधारी भगवान कैसे वास करेगा हृदय में। कहते हैं शरीरधारी हैं, ऐसा मतलब नहीं है। मतलब ऐसा है कि शरीरों में आत्मा रूप में बैठा है भगवान। तो भाई, भगवान कोई विचित्र चीज़ है, उसका कोई रूप नहीं है और वह सब रूपों में समाया है। वह इतना बारीक है कि समझते समझते हट जाता है। न इति न इति
वेद कहता है, बड़े बड़े अनुभवी उसको समझ नहीं पाते हैं, उसकी एक किरण आ जाए यह सब चाहते हम। और यह पर्सनल विषय है एक व्यक्ति का, जो उसके लिए रुचि लाए और पुरुषार्थ करे, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग कर लेंगे। तुमको साधना मिली तो तुम्हारा कल्याण होगा, और तुम्हारे करने से सबका कल्याण नहीं हो जाएगा। इसलिए वह व्यक्ति जो इस पर चले, उसके लिए है यह रामायण, उसके लिए कवियों ने, महापुरुषों ने यह गाथा गाई है। लेकिन सब सुनने के लिए टूट पड़े हैं। श्रोता समाज इतना बढ़ा हुआ है, करता कोई है नहीं, समझता ही नहीं, मानस में आगाहन ही तो होता नहीं, क्योंकि यह आध्यात्मिक विषय कठिन है समझने में। 99% से ज़्यादा लोग मानस बोध कर नहीं पाते, इसके गहराई में जा नहीं पाते, क्योंकि यही सर आवत अत कठिनाई। तो ये कठिनाइयाँ तो बहुत आती हैं, बहुत हैं, लेकिन मूल कठिनाई समझने वाली है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जो नहाई चह यही सर भाई, असो सत्संग करहु मन लाई। अब सत्संग कहाँ मिले, यह तो दुर्लभ चीज है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड मर एक उबारा। तो प्रयत्न करना पड़ेगा, रुचि लाना पड़ेगा मन में, और समझ में आ जाए तो अभी इसी क्षण से लगना पड़ेगा इसमें। देखिए, जब पहले नहीं मिले थे राम, तो विभीषण जो भगवान का रूप है जीव, उसके क्या हालत थी। रावण कुंभकर्ण ने उसको एक मकान दे दिया और उसी कटघरे में रख दिया था। जब हनुमान गए लंका और विभीषण से मिले, तो उसने अपनी हालत बताया, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसनन मह जीव बिचारी। इसी का नाम है परवस्ता, जीव की माया की माया अधीनता। देखो, विभीषण अच्छाई के लिए था, नींद बताता था, भजन करता था, लंका में रहते हुए। इसी तरह से यह जीव शरीर में रहते हुए काम क्रोध लोभ मोह से परवश है। जीव भवदंध्र सेवक विभीषण बसत मध्य, दुष्टाटवी ग्रसित चिंता। वह है ईश्वर का रूप, लेकिन परवश है, मोह के अधीन है। जो रावण कहता है उसे करना पड़ता है, और जब नीत बताता है दरबार में, तो लात घुसा तो मरम्मत होती है। यही कंडीशन हर आदमी की है, इससे बचने का उपाय करें। बचने के लिए यही घर है, यह मानव तन, इसी में गुंजाइश है। यह अभी जो लंका बनी है, लंका निश्चर निकर निवासा बनी है, तो इन राक्षसों के बीच रहते हुए जब यह जीव रूपी विभीषण राम राम चिल्लाने लगा, नाम जपते जपते जब ध्यान करने लगा, और ध्यान करते करते जब मन सहित दसों इंद्रियों में ईश्वर छा गया, तो फिर यही शरीर लंका से अवध बन जाता है। फिर भक्ति कौशल्या आ जाती है, मन में चेतन का प्रतिबिंब यह दशरथ आ जाता है, फिर राम आ जाता है, ऐसे सब आ जाते हैं। तो यही बेईमानी मन ही तो है जिसने पहले लंका को रचा था। मन ही तो मैं दानव है, वह पुष्प ब्रह्मांड सुप्रवित लंका रचित, मन ही में तो मोह आया। यह रावण बैठ गया फिर इंद्र देवताओं का राजा, इन इंद्रियों में बैठे हुए उन सुरों का राजा है। यही मन इसे काम ने वशीभूत कर लिया, काम रूपी मेघनाथ ने। यह जो श्वास चलती है इस शरीर में, यही तो स्वर्ग है, और कोई लोक बना है क्या आकाश में। अगर कुछ लोक वगैरह होते तो वहाँ रॉकेट पहुँच गए होते, वहाँ तो कुछ बना ही नहीं, न कोई देवता है, न कोई भगवान का लोक है। वहाँ भगवान तो आकाशवत है, इसलिए उधर ही उसका ठिकाना बता देते हैं लोग। भगवान तो सबके अंदर है, यही शरीर रूपी इस ब्रह्मांड के अंदर सब हैं। लंका और अयोध्या, चित्रकूट और पंचवटी है, एक ही चीज है। हर अवस्था भेद है, जैसे एक मकान है, पहले उसमें दुकान लगती रही, अब उसमें प्राइमरी स्कूल खुल गया, धीरे धीरे वह स्कूल कॉलेज बन गया। तो ऐसे उस एक ही मकान के कई नाम होते गए, काम के अनुसार प्राइमरी स्कूल, फिर डिग्री कॉलेज है, जगह वही है। यह भी विद्यालय है, वह भी विद्यालय था, पढ़ाई दोनों में होती है, लेकिन देखिए स्तर अलग अलग है। ये ऐसे ही सब क्रिया साधन शरीर में हो रहे हैं, इसी में लंका बन गई, फिर अवध बन गया, जनकपुर बन गया, फिर चित्रकूट बन गया। साधना के स्तर से इसके यह नामकरण है। ऐसे
यह जीव सीढ़ी दर सीढ़ी साधना पूरी करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, निर्वय स्वरूप में जागृत हो जाता है, पर्वत से स्वबस हो जाता है। यह जीवात्मा विभीषण राजा बन जाता है। हम अवध कहते हैं अवधि, मानवतन की अवधि, यह समय जो हमें तुम्हें मिला हुआ है, भगवान महान कृपा करके यह अवसर देते हैं, मनुष्य योन दे देते हैं, मानव तन के रूप में एक मौका एक समय यह अवध प्राप्त हुई। इस अवध में ही भगवान पैदा होते हैं। शरीर के बिना तो कहीं पैदा नहीं होंगे, होते नहीं, साधन ही नहीं बनेगा शरीर के बिना, तन बिन वेद भजन नहीं बरना। इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए, किया जाए। गोस्वामी जी बार बार भक्त का आग्रह करते हैं, ज्ञान का ह्रास करते हैं। कभी 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 लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन देखिए वही गोस्वामी जी क्या कहते हैं, ज्ञान अवधेश गृह गेहनी भक्ति शुभ तत्र अवतार भू भार हरता। इसको अच्छी तरह से समझ लो। भक्त कहते हैं लगन को, जानकारी उस तत्व की हो जाए कि किस में हम लगन करें, वह है ज्ञान। जानकारी होना ज्ञान है, और फिर उसमें लगन लग जाए, यह भक्ति है। इन्हीं भक्ति और ज्ञान रूपी रूप दशरथ कौशल्या से राम पैदा होते हैं। हरि ओम। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अध्याय 14 समाप्त।